तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ शेल्फ और इन कोल को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल के अंदर सल्फर का क्वांटिटी कितना है, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कोल के अंदर से सल्फर का क्वांटिटी को डिटरमाइन करना ये पार्ट ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस होता है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोल का एनालिसिस दो टाइप से होता है, एक हमारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, दूसरा होता है अल्टीमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। अल्टीमेट एनालिसिस के लिए हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें हम लोग कोल के अंदर से कार्बन एंड हाइड्रोजन को कैसे एस्टीमेट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसको हम लोग देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोल के अंदर जो सल्फर है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसका प्रोसीडर हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कोल के अंदर से सल्फर का जो क्वांटिटी है इसको कैसे एस्टीमेट किया जाता है, यानी इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, कोल के अंदर से सल्फर का क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड का यूज होता है, आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा इसका मेथड एंड दूसरा होता है कैरियस मेथड। तो हम लोग इस वीडियो में इसका मेथड देखेंगे कि कोल के अंदर जो सल्फर है उसको कैसे एस्टीमेट किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको सल्फर का क्वांटिटी डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले आपको कोल का सैंपल तैयार करना है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैसे कोल का सैंपलिंग होता है, कैसे उसको हम लोग माइक्रोन साइज में कन्वर्ट करके 212 माइक्रोन से सीव एनालिसिस करके हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मेथड द्वारा कोल के अंदर जो सल्फर का क्वांटिटी है उसको कैसे एस्टीमेट किया जाता है। तो देखिए, कोल के अंदर सल्फर का क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले कोल सैंपल को हम लोग को बर्न करना पड़ेगा। तो इसका मेथड के अंतर्गत हम लोग कोल सैंपल को कहां पे बर्न करते हैं, तो बॉम कैलोरीमीटर में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉम कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जहां से हम लोग कोल के अंदर जो जिस भी है उसको फाइंड आउट करते हैं, यानी कि बॉम कैलोरीमीटर में कोल का जो सैंपल है उसको बर्न करते हैं, जिसके चलते वाटर, उसके सराउंडिंग में वाटर रहता है जिसका टेम्परेचर राइज होता है, और उस वाटर का टेम्परेचर राइज के अकॉर्डिंग हम लोग उसका जिस भी पता करते हैं कि इसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। और जो कोल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके बर्न हो जाता है, जिसके चलते कोल के अंदर जितने भी कंबस्टिबल एलिमेंट है, चाहे वो हमारा नॉन वोलेटाइल हो या वोलेटाइल हो, वो क्या होता है, मतलब उसका कंबस्शन हो जाता है। इनिशियली में बॉम कैलोरीमीटर के अंदर कोल सैंपल का जब कंबस्शन होता है तो कोल सैंपल के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सल्फर की बात कर रहे हैं, तो सल्फर क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, फिर वो सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फेट बना लेता है। तो जैसे ही कोल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो ये जो अपना हीट है वो किसको, वाटर को डिसिपेट करते रहता है, और जब कंबस्टिबल एलिमेंट पूरा जल जाता है तो तब तक ये क्या करेगा, वाटर इसका हीट को एब्जॉर्ब करते रहता है, और वाटर तब तक यहां पे हीट को डिसिपेट करते रहता है जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। यानी कि एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे जो कोल है वो अपना टोटल हीट वाटर को डिसिपेट कर देता है, जिसके चलते हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इतना टेम्परेचर राइज हुआ है, यानी कि कोल के अंदर इतना जीसीवी यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। और कोल के अंदर जब हमारा पूरा हीट रिलीज हो जाता है तो कोल कंबशन के दौरान जो भी गैस का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि सल्फर के साथ मान लीजिए सल्फेट बना है, वो सब चीज क्या होगा, कंडेंस हो जाता है और उसी एस के अंदर मिक्सअप कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि कोल का सैंपल लिए, कोल के सैंपल को हम लोग क्या किए, बॉम कैलोरीमीटर में इसको बर्न किए। तो जैसे ही बर्न करेंगे किसके कांटेक्ट में, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम लोग इसको बर्न करते हैं, तो यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, एस का फॉर्मेशन होगा, और इस एस के अंदर हमारा क्या रहेगा, जो भी कोल सैंपल के अंदर जो हमारा सल्फर है वो इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट करके क्या बना लेता है, ये बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या होगा, हाफ O2 के साथ मिल करके
सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है, यानी कि इस एस के अंदर मान लीजिए हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वाटर इसके अंदर मिक्स कर देंगे, यानी कि एस को बाहर निकाल करके इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको वाटर इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो यहां पे जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस अगर हम लोग इसके अंदर वाटर मिला रहे हैं यानी H2O मिला रहे हैं, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, तो ये बना लेगा H2SO4 बना लेगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। यानी कि इसके अंदर एस के अंदर क्या होगा, जो भी सल्फर होगा वो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। तो इस तरह से हमारा यहां पे क्या मिल गया, H2SO4, और जो भी पार्टिकल है वो तो रहेगा, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, H2O ऐड कर रहे हैं। यानी कि हम लोग सबसे पहले कोल सैंपल को जलाए, एस फॉर्मेशन हुआ, एस के अंदर हम लोग बाहर निकाल करके उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दिया, जिसके चलते जो सल्फर है वो क्या होगा, H2SO4 बना लिया, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितना है, 2 है, यानी 1 × 2 = 2, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है। तो ये इतना लाइट होता है कि वाटर से ये जल्दी प्रेसिपेट नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम लोग बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। कौन सा, बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, क्योंकि बेरियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है, 137 होता है, 137 होता है। तो देखिए अब जब हम लोग यहाँ पे H2SO4 यानी जिस बीकर में हम लोग एस को लिए थे और उस बीकर में हम लोग वाटर जैसे ही मिलाए थे तो हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड बन गया था, और इस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहां पे जैसे ही आप बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो यहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, तो देखिए ये क्या फॉर्म करता है, तो इस पे हमारा प्लस होता है, इस पे माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये जो प्लस है वो इसके साथ ऐड हो जाता है, तो ये क्या बना लेता है, तो देखिए बेरियम सल्फेट बना लेता है, और क्या बना लेगा, 2 HCl बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ना, इससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, और ये जो होता है प्रेसिपेट हो जाता है, वाटर से प्रेसिपेट होकर के क्या बना लेता है, व्हाइट कलर में आपको प्रेसिपेट देखने को मिलेगा, PPT में लिख देता हूं प्रेसिपेट, यानी जैसे ही हम लोग इस वाटर के अंदर बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो ये चीज हमारा बन जाता है बेरियम सल्फेट, और ये किस कलर में होता है, तो व्हाइट कलर में होता है। यहाँ पे बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 137 है, जबकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो इसका जो डेंसिटी होगा वो कम होगा और इसका जो डेंसिटी होगा वो हायर होगा। तो ये क्या होता है, जैसे बेरियम सल्फेट बन लेता है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से बेरियम सल्फेट जैसे ही बनता है तो ये प्रेसिपेट हो जाता है, जिसका कलर व्हाइट देखने को मिलता है, और जैसे ही ये हमें प्रेसिपेट मिल जाता है तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, फिल्टर कर लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि बेरियम सल्फेट का अमाउंट कितना है, तो इसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करके इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे, यानी कि इसको सुखा देंगे, और सुखाने के बाद हम लोग इसका वेट कर लेंगे कि बेरियम सल्फेट का वेट कितना है। तो देखिए हम लोग को कोल के अंदर जो सल्फर था वो किसमें आ गया, सल्फेट में आ गया, और जितने भी सल्फेट है इसका एग्जैक्ट क्वांटिटी को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का ऐड किए, जिसके चलते ये बेरियम से रिएक्ट किया, जिसका डेंसिटी हाई होता है ये जल्दी प्रेसिपेट हो जाता है, तो हमको जितने भी मतलब सल्फेट है वो एग्जैक्ट अमाउंट में हम लोग को यहाँ पे प्रेसिपेट हो जाता है, और उसको हम लोग फिल्टर किए, फिर ड्राई किए, उसके बाद वेट कर लिए। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका वेट करेंगे, यानी कि वेट किसका करेंगे, ऑफ बेरियम सल्फेट, तो हम लोग को पता चल गया कि कोल के अंदर जितना सल्फर था वो किसमें अब कन्वर्ट हो गया, बेरियम सल्फेट में हो गया। अगर आपको बेरियम सल्फेट का क्वांटिटी पता चल जाएगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि कोल के अंदर हमारा जो सल्फर है वो कितना अमाउंट है। जैसे कि आप यहां पे देखिए बेरियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना है, तो बेरियम का हमारा कितना है, 137 है, सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 × 4 होगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 233 हो जाएगा, और सल्फर का कितना है हमारे पास, 30 है, यानी कि 233 ग्राम में 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेनिंग, यहां पे सल्फर कितना है, 1 मोल है, यानी कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी कि अगर 233 ग्राम बेरियम सल्फेट है वो कितना रखेगा, तो 32 ग्राम सल्फर रखेगा। तो अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि यहाँ पे जो हमारा बेरियम सल्फेट है जिसका हम लोग वेट किए हैं, उसका वेट मान लीजिए कितना है, x ग्राम है,
तो एक्स ग्राम ऑफ यानी 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेनिंग 32 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी कि बेरियम सल्फेट का अगर वेट 233 ग्राम है तो उसमें 32 ग्राम हमारा सल्फर है। अगर हमारा बेरियम सल्फेट का जो वेट है वो एक्स ग्राम है, हम लोग को नहीं पता है एक्स ग्राम है, तो इसके अंदर हमारा सल्फर का जो क्वांटिटी है वो कितना होगा, तो 32 × x / 233 हो जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं एक्स ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेनिंग कितना हो जाएगा, 32 × x और डिवाइड क्या हो जाएगा 233, ये ग्राम में आ जाएगा ऑफ सल्फर, यानी एक्स ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कितना रखेगा सल्फर, तो 32 × x / 233 ग्राम ऑफ सल्फर को रखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे इसका कि परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकलेगा। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर यानी कोल सैंपल के अंदर परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बेरियम सल्फेट है उसका वेट और डिवाइड कर देंगे, जो हमारा कोल सैंपल है इसका वेट से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या है, हमारा इसका वेट कितना है एक्स लिए हैं और इसका वेट कोल सैंपल का मान लीजिए हमारा डब्लू है और परसेंटेज में है तो 100 कर दीजिए, और एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के जगह पे हमारा ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 × x और डिवाइड क्या हो जाएगा ये डब्लू इंटू ये 233 और इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, तो देखिए परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, एक्स क्या है हमारा वेट ऑफ बेरियम सल्फेट है, तो वेट ऑफ बेरियम सल्फेट हो जाएगा और इनटू क्या है हमारा 32 है तो 32 कर दीजिए और इनटू हमारा 100 है तो आप 100 कर दीजिए और डिवाइड क्या कर देना है, वेट ऑफ क्या है हमारा कोल सैंपल, तो वेट ऑफ कोल सैंपल और इनटू क्या है 233। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब हम लोग कोल का कंबसन कराए तो जो सल्फर है वो हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट में बन गया। तो बेरियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 233 है, तो बेरियम सल्फेट का वेट ऊपर है तो उसका मास कितना होगा नीचे हो जाएगा, और बेरियम सल्फेट में हमारा सल्फर कितना है एक है तो इसका एक का जो एटॉमिक मास है वो 32 होगा, तो हमारा ये 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारा जो वेट ऑफ कोल सैंपल हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका है कि वेट ऑफ बेरियम सल्फेट यानी जो बना है और कितना सैंपल में बना है उन दोनों का डिवाइड, और बेरियम सल्फेट में हमारा सल्फर कितना है एक है तो 32 हो जाएगा, बेरियम सल्फेट का जो टोटल मास है वो कितना है 233 है तो इतना हो जाएगा, और 100 इसलिए दिए हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो हमारा बेरियम सल्फेट है इसका वेट मान लीजिए हमारा कितना है 0.3 ग्राम आ रहा है, इसका वेट कितना है 0.3 ग्राम है, कोल का जो सैंपल है इसका हमारा 1 ग्राम लिए हैं। अब इसको अगर आप इसका सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मान लीजिए 32 इंटू कितना हो जाएगा 0.5 और डिवाइड कितना हो जाएगा 1 ग्राम लिए हैं और इंटू 233 इंटू 100, तो इसको जब आप करेंगे तो 4% के करीब में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सल्फर का जो क्वांटिटी है कोल के अंदर वो कितना है 4% है। तो इस तरह से इसका मेथड में हम लोग बहुत ही सिंपल वे से क्या करते हैं, बॉम कैलोरीमीटर में कोल का कंबसन करवाते हैं, जो आयस आया उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी मिला देते हैं जिसके चलते हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और इस एसिड के अंदर हम लोग बेरियम क्लोराइड डाल देते हैं जिसके चलते हमें बेरियम सल्फेट मिलता है और ये प्रेसिपिट होकर के व्हाइट बन जाता है, और इस व्हाइट प्रेसिपिट को हम लोग फिल्टर करके ड्राई करके वेट कर लेते हैं और इस वेट को हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर रख देते हैं। कोल सैंपल आपको पता ही है कितना आप बर्न किए हैं और इजीली आप सल्फर का क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।